हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन जो आपका चैप्टर है इसका स्टूडेंट जो होता है प्रीवियस ईयर नेट के कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जैसे स्टूडेंट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एडल्ट ह्यूमन आर बी सी आर ई न्यूक्लेटेड होता है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिया हुआ आपको मोस्ट अप्रोशिएट आपको बताना है एक्सप्लेनेसन फॉर दिस फीचर्स किस बेस पे जो होता है आपको बताना है ठीक है स्टूडेंट तो इसमें देखिए कह रहा है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे कह रहा है कि दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस यानी कि वह रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा इसलिए जो होता है कि ई न्यूक्टेड है दे आर सोमेटिक सेल्स है तो स्टूडेंट देखिए इसका मैं सही आंसर आपको बता देता हूँ कि इसका बेसिकली सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट जो होता है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो होता है फोर ऑफ का होगा क्यों क्यों कह रहा है कि ऑल दियर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आपको पता है कि आपका आर होता है स्टूडेंट और आपके आर में क्या होता है हीमोग्लोबिन्स होता है और हीमोग्लोबिन्स क्या करता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है स्टूडेंट ठीक है तो इसमें जो होता है ऑप्शन में अगर आएंगे तो ऑप्शन देखिए डी दिया हुआ स्टूडेंट इसका क्या होगा राइट आंसर होगा ठीक है उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट कि आपका जो होता है कि क्वेश्चन नंबर जो होता है कि सेकेंड देख लीजिए यहाँ पर कह रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए स्टूडेंट कह रहा है कि द हिपाइटिक पोर्टल वेन होता है कि ब्लड्स टू द लीवर यानी कि जो हिपायोटिकोर्टल्स वेन होता है स्टूडेंट वह होता है कि ब्लड्स होता है कहाँ से जो होता है लीवर को दे रहा है तो इसमें देखिए सही आंसर इसका क्या होगा स्टूडेंट सही आंसर इसका होगा स्टमक हो गया और जो होता है इंटेस्टाइन ठीक है दोनों ऑप्शन दिया हुआ स्टूडेंट ए एंड सी तो इसका क्या है कि स्टमक भी जो होता है इसका राइट आंसर है स्टूडेंट और इंटेस्टाइन जो है ये भी इसका क्या है राइट आंसर है ठीक है स्टूडेंट यहाँ पे अगर देख लीजिए आप जो होता है कि क्वेश्चन नंबर एट को देख लीजिए यहीं पर ठीक है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर एट को ठीक है तो देखिए क्या क्वेश्चन नंबर जो आप एड देख रहे हैं इसमें क्या कह रहा है कि डॉक्टर सर जो होता है स्टेथोस्कोप का स्टूडेंट जो होता है यूज करता है टू हर द साउंड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईच कार्डियक साइकिल्स द सेकेंड साउंड इज हेड वेन क्या कह रहा है स्टूडेंट कहाँ सुनता है ठीक है तो अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका एट है स्टूडेंट कर रहा है कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है कि आप बताइए कह रहा है कि ए बी नोट्स रिसीव सिग्नल्स होता फ्रॉम फ्राम एस एन नोट्स ये तो स्टूडेंट जो होता नहीं हो सकता आपका कह रहा है कि बी जो होता है ए बी वाल्व जो होता है ओपन होता है आप इसलिए यहां से नहीं हो सकता है स्टूडेंट ठीक है इसका सही आंसर देखिए क्या स्टूडेंट सही आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर डी है कह रहा है कि सेमिलुलर वॉल्स क्लोज होगा डाउन आफ्टर द ब्लड्स फ्लो इन टू द वेसल्स फ्रॉम द वेंटिकल्स ठीक है स्टूडेंट क्या होगा वाल क्या होता है क्लोज होता है स्टूडेंट तब जो होता है कि वहां पे जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको जो होता है डॉक्टर वहां पे सुन रहा है ठीक है स्टूडेंट तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर जो होता है डी इसका क्या होगा स्टूडेंट जो होता है कि राइट आंसर होगा ठीक है यहीं पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर नाइन है आपका कौन सा है क्वेश्चन नंबर नाइन ठीक है कह रहा है कि इथ्रोपोसिस स्टार्ट इन इनथ्रोपोसिस क्या होता है स्टूडेंट इथ्रोपोइसिस जो होता है बेसिकली ब्लड फार्मेशन को कहते हैं हम लोग कि ब्लड का फॉर्मेशन होता है तो ब्लड का फॉर्मेशन हम लोग का कहां होता है कि रेड बोन मैरो में होता है स्टूडेंट तो राइट आंसर इसका क्या होगा रेड बोन मैरो होगा ठीक है स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर थ्री नीट 2016 हजार सोलह में स्टूडेंट्स होता है क्वेश्चन पूछा हुआ कर ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन इन द नंबर्स कैन काज द्ला क्लाटिंग डिसऑर्डर्स ठीक है कौन से जो होता है कि स्टूडेंट होता है ब्लड सेल्स का नाम बताना आपको जिसका रिडक्शन हो जाने से ब्लड क्लाजिंग ब्लड क्लाटिंग मैकेनिज्म तरह का डिसऑर्डर हो जाएगा कि लॉस ऑफ ब्लड्स होता है फ्रॉम द बॉडी डिस्ट्रिक्ट क्या होगा अधिक जो होता है कि ब्लड की लॉस हो जाती है तो इसमें स्टूडेंट होगा ब्लड क्लाटिंग मैकेनिज्म मैं आप लोगों को पढ़ाया भी हूँ तो इसमें देखिए क्या होगा कि आपको पता है कि जो थ्रोम्बोसाइट्स होता है स्टूडेंट थ्रोम्बोसाइट्स ये क्या करता है कि ब्लड क्लाटिंग मैकेनिज्म में आपका हेल्प करता है ठीक है तो ये जो होता है स्टूडेंट आपका लॉस नहीं होना चाहिए ठीक है उसके बाद देखिए कह रहा है कि आपका क्वेश्चन नंबर फोर क्या स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर है, है. कह रहा है कि सीरम डिफर्स करता है फ्राम द ब्लड्स इन ठीक है स्टूडेंट यानी जो सीरम होता है आपका वह ब्लड्स जो होता है कैसे स्टूडेंट जो होता है कि डिफर होता है तो आपको इसमें बताया था देखिए क्या होगा कि ग्लोबलिन की बात कर रहे तो नहीं होगा आपका और इसमें जो राइट आंसर होगा कह रहा ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट देखिएगा कह रहा है कि लैकिंग जो होता है क्लाटिंग फैक्टर्स ठीक है यानी कि ब्लड क्लाटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट कि आपके जो होता आप है आप्सेंट जाते हैं ब्लड में तो आपका क्या होता है सीरम कहलाता है ठीक है स्टूडेंट अब आइए क्वेश्चन नंबर फाइव आपका क्वेश्चन नंबर फाइव पर देखिए स्टूडेंट कह रहा है कि ब्लड प्रेशर जो होता है इन द पलमोनड्री आर्ट्री ठीक है यानी कि जो पलमोन्ड्री आर्ट्री स्टूडेंट होता है उसमें ब्लड प्रेशर क्या होगा ठीक है तो इसमें स्टूडेंट देखिए क्या है कि जो आपका पलमोन्ड्री आर्ट्री है इसमें ब्लड प्रेशर जो होता है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर इसका क्या है कि जो ए स्टूडेंट इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्यों क्योंकि कह रहा देखिए मोर देन दैट इन द पलमोन्ड्री वेंस यानी कि पलमोन्ड्री वेंस से क्या होता है इसमें ज़्यादा होगा स्टूडेंट ठीक है तो इसका क्या होगा राइट right आंसर होगा ठीक है स्टूडेंट उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो होता है कि आप टेन देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर टेन कह रहा है कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इसमें आपको बताना है कौन सा जो होता है सिक्वेंस आपका कर, ए, करेक्ट है इसमें स्टूडेंट तो इसमें देखिए क्या है कि आपको पता है ब्लड है ब्लड में क्या है प्लाज्मा है ठीक है यानी कि आर बी सी भी आ जाता है आपका डब्ल्यू बी सी आ जाता है प्लेटलेट्स भी आता है स्टूडेंट तो ये इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर सी जो होता सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो होता है स्टूडेंट इसका क्या होगा राइट आंसर होगा कौन सा ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा स्टूडेंट राइट आंसर होगा ठीक है क्योंकि आपको पता लिम्फ में आपका आर नहीं होता है ठीक है तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है स्टूडेंट ठीक है उसके बाद आ जाइए जो होता है कि आप क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन कह रहा है कि ब्लड प्रेशर इन द मैमेलियंस एटा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग ठीक है यानी जो ब्लड प्रेशर होता है स्टूडेंट माइमेलियन एयोटा में क्या होता है कब होता है स्टूडेंट किस समय जो होता है मैक्सीम होता है आपको ये बताना है तो इसका जो होता है कि जो आंसर होगा स्टूडेंट कर रहा है सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंटकिल यानी कि जब लेफ्ट वेंटकिल में क्या होता है सिस्टोलिक कंडीशन आता है ठीक है यानी कंट्रेक्शन हो रहा है तो लेफ़्ट वेंटिकिल में उस टाइम क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो होता है उसका ज़्यादा होगा ठीक है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो होता है कि आप ट्वेल्व देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व यहाँ पे आप देख लीजिए स्टूडेंट कि जो आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है इसमें क्या होगा कर रहा कि आ, जो आपका ऑप्शन कह रहा है कि पर्सन है कोई विथ ब्लड ग्रुप ए बी है इज कंसीडर एज ए यूनिवर्सल रेसिपियंट बिकॉज ही हैज ठीक है स्टूडेंट तो मैं आपको बताया हूँ यूनिवर्सल जो होता है कि रेसिपियंट क्या होता है यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं क्यों जो होता है स्टूडेंट जो होता है कि ये होगा यूनिवर्सल जो होता है कि रेसिपियंट होगा आपका तो इसमें देखिए क्या रहा कि बोथ ए एंड बी एंटीजन ऑन आर वी सी बट नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि जो प्लाज्मा है प्लाज्मा में जो होता है कि आर जो होता है स्टूडेंट एंटीबॉडीज होता है कि नहीं होते हैं ठीक है स्टूडेंट और अब आइए जो होता है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो होता है स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखिएगा स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स आ जाइएगा स्टूडेंट ठीक है ब्लड प्रेशर तो हम लोग देख लिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स आइए ये भी देखिए आपका नीट दो हजार सोलह में पूछा हुआ करा इन मैमल्स विच ब्लड बेसल्स वार्मली जो होता है स्टूडेंट कैरी लार्जेस्ट अमाउंट्स ऑफ यूरिया ठीक है कौन सा जो होता है कि ब्लड वेसल्स मैमल्स में जो होता है कि लार्जेस्ट अमाउंट्स ऑफ यूरिया को स्टूडेंट कैरी करता है तो इसमें देखिए क्या है कि हिपैटिक वेन होता है हिपैटिक वेंस क्यों हो सकता है स्टूडेंट क्योंकि हिपैटी मीनस क्या हिपैटिक जो टर्म आया स्टूडेंट ये कहाँ से है आपके लीवर से आया हुआ है ठीक है और लीवर आपका होता और जो होता है कि यूरिया के फार्मेशन में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है क्योंकि यूरिया इज ए टॉक्सिक चीज है और उसको जो होता है कि लिस्ट करता है ठीक है तो हिपाइटिक वेन्स होता है स्टूडेंट क्या होगा आपका राइट आंसर होगा इसमें क्वेश्चन नंबर सेवन देखिएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैजू सेपरेट जो होता है सर्कुलेटरी पाथवे स्टूडेंट ठीक है तो इसमें देखिए क्या है कि टू uh, जो होता है कि सेपरेट सर्कुलेटरी पाथ पूछा है कि कौन से ऐसे एनिमल्स स्टूडेंट तो फ्रॉग हो नहीं सकता आपका लीजर्स भी नहीं हो सकता सार्क भी नहीं हो सकता वेल जो होता है स्टूडेंट आपका इसमें आपको जो होता कि, करा कि, है कि कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स है टू सेपरेट सेपरेटरी पाथे आपको वेल well में देखने को मिलता है ठीक है स्टूडेंट यहाँ पे आइएगा यह जो होता है क्वेश्चन नंबर जो होता है आपका थर्टीन है कह रहा है कि हाउ डू जो होता है कि पैरासिम्पेथेटिक न्यूरल सिग्नल जो होता है अफेक्टेड होता है द वर्किंग ऑफ द हर्ट स्टूडेंट ठीक है तो वर्किंग ऑफ द हर्ट की बात कर रहा है स्टूडेंट इसमें।, तो इसमें तो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें देखिए और ऑप्शन जो होता है स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पर चला गया है लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो आपका इसी पेज में है ठीक है ऑप्शन नंबर जो होता है कि ए जो होता है स्टूडेंट राइट आंसर है क्या रेड्यूज द बोथ हार्ट रेट एंड जो होता है कार्डियल आउटपुट को क्या करता हुआ है रिड्यूस कर देता है स्टूडेंट ठीक है तो ये जो होता है स्टूडेंट आपका राइट right आंसर है कौन सा ऑप्शन नंबर ए ठीक है स्टूडेंट अब आइए जो होता है कि हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो होता है स्टूडेंट पी पे नेक्स्ट पेज पर पे देखते हैं ठीक है स्टूडेंट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट जो होता है फोर्टी है इसमें देखिए क्या कह रहा है कर द गिन फिगर दिया हुआ सो द सीमेट्रिक द आपको प्लेन ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन विथ द लेवल्स ए से डी तक लेवल किया गया आइडेंटिफाई करना लेवल्स एंड द फंक्शन बताना आपको ठीक है स्टूडेंट तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा उस डायग्राम को ध्यान से देख करके जो होता है स्टूडेंट इसका आप राइट आंसर दे सकते हैं बहुत ज़्यादा आपको परेशान हो जाते है सी देखिए आपका क्या कह रहा है ये सी इसको आपको पता है एनसीईआरटी का डायग्राम है ये बेना केवा स्टूडेंट क्या है आपका बेना केवा होता है ठीक है और जो होता है कि आपका ये बेना केवा जो होता है ये स्टूडेंट जो होता है कि टेक ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द राइट राइट जो होता है आर्किल में लेकर के जाता है और पार्सल प्रेशर यहाँ पर कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का स्टूडेंट फोर्टी फाइव एम एस सी होता है ठीक है तो ये इसका क्या होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर जो ये होगा इसका राइट आंसर होगा ठीक है उसके बाद आज ये जो होता है कि स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन देख लीजिए कह रहा द फिगर्स होता है सो ह्यूमन ब्लड सेल्स आइडेंटिफाई करना है ईट एंड गिव द करेक्ट्रिस्टिक फीचर की बेस पे आपको क्या करना है आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट तो ये आप देखिए ऑप्शन दिया हुआ आपका कि ब्लड सेल्स है यानी वेसोफील्स है बिलिम्पोसाइड्स है सिलिम्पोसाइड्स है सॉरी आपका न्यूट्रोफिल्स है कि है स्टूडेंट तो ये आपको देखना है तो क्वेश्चन नंबर जो आपका जो होता 17 है सेवनटीन है स्टूडेंट इसका जो होता है आंसर आपका है बेसोफिल से क्या स्टूडेंट इसका आंसर बेसोफिल बेसोफिल्स सिक्रीट दीरोटोनिन आपको पता है से करता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में स्टूडेंट जो होता है कि आपका हेल्प करता है ठीक है स्टूडेंट बेसोफिल्स उसके बाद आइएगा स्टूडेंट जो होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए जो होता है स्टूडेंट ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कह रहा था डायग्राम दिया हुआ स्टूडेंट गिवन uh, हेयर जो होता है कि इसमें ई सी जी है एक तरह का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम स्टूडेंट जो होता है नॉर्मल पर्सन का इसमें पी वेब रिप्रेजेंट क्या करता है आपको ये बताना है स्टूडेंट ठीक है तो इसमें देखिए क्या है जो पी है स्टूडेंट क्या करता है कंट्रेक्सन ऑफ बोथ एट्रिया ठीक है यानी कि जो आपका दोनों एट्रिया कंट्रेक्सन है स्टूडेंट उसको जो होता है कि आपके रिप्रेजेंट करता है तो ऑप्शन नंबर जो सी होता है स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो होता है स्टूडेंट एटीन आप देख लीजिए कर ये, ये जो होता है कि आपका सर्टेंस uh, जो होता road, uh, road है रोड एक्सीडेंट हो जाता है पेशेंट का विद जो होता अन ब्लड ग्रुप है नीड इमीडिएट जो होता है ब्लड ट्रांसफिजेंस की जरूरत होती है ही इज़ वन डॉक्टर जो होता है फ्रेंड्स एट वंस ऑफर इज द ब्लड्स वाट वाज द ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर्स क्या होगा स्टूडेंट ठीक है तो उस पर आपको बताना है ठीक है तो इसमें आप देखिए क्या है कि एक जो होता है रोड एक्सीडेंट हो जा रहा है स्टूडेंट तो वह जो, जो होता है कि कंसल्ट करता है और उसको जो होता है कि ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो इसमें अगर आप देखेंगे निकालेंगे पूरा स्टो इस तो इसका जो राइट right आंसर आएगा स्टूडेंट जो होता है कि आपका आएगा ब्लड ग्रुप ओ आएगा क्या आएगा ओ आपको पता है जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो क्या होता है यूनिवर्सल जो होता है स्टूडेंट डोनर होता है ठीक है तो अपना ब्लड जो होता है किसी को भी दे सकता है ठीक है स्टूडेंट और आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन कौन सा नाइनटीन कर है बिच वन ऑफ़ द फॉलोइंग्स होता है ह्यूमन ऑर्गन्स इज आफ्टर कॉल द ग्रीवार्ड्स ऑफ आर बी सी किसको कहते हैं स्टूडेंट तो स्प्रिन को कहते हैं आप जो होता है ग्रीवार्ड्स ऑफ आर बी सी कहते हैं क्योंकि आर बी सी का जो लाइफ स्पन होता है वन ट्वेंटी डे होता है और वहाँ पर वह जाता है ठीक है स्टूडेंट उसके बाद जो होता है क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर जो होता है आपका सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखिए क्या कर रहा है स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो सिक्सटीन है आपको क्या करना है फिगर दिया हुआ so है स्टूडेंट सो ब्लड सर्कुलेशन है ए से डी तक इसमें जो होता है कि करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेबर एंड फंक्शन ऑफ़ द पार्ट्स को बताना है स्टूडेंट ठीक है तो करेक्ट जो होता है कि आइडेंटिफिकेशन आपको बताना है तो आप देखिए क्या है इससे पहले भी आपको बताया हूँ देखिए जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर ठीक है तो ऑप्शन के बेस पे अगर आप जाएंगे तो इसका जो ऑप्शन होगा स्टूडेंट जो होता है वह होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा ए ठीक है स्टूडेंट और एक बार देख लेते हैं क्योंकि कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत आपको नहीं है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास है देखिए ये है आपका लेवलिंग किया गया है स्टूडेंट यहाँ पे जो होता है कि आपका ये डी है और ये आपका जो होता है कि ये दिया हुआ है ये ल्यूमिनस बता रहा है ठीक है एन का टोटल स्टूडेंट जो होता है डायग्राम ही कॉपी किया है इस पर तो इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट जो होता है कि आपका सी पोर्सन होगा इसमें ठीक है तो इसका जो होता है कि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स होता है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर होगा क्योंकि कह रहा है जो डीप पलमोन्ड्री वेंस जो होता है टेक ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर के आती है और उसका पार्सल प्रेशर जो होता है स्टूडेंट नाइन्टी फाइव एम होता है तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा राइट right आंसर होगा ठीक है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा राइट right आंसर होगा ठीक है उसके बाद आ जाइए जो होता है कि ये ब्लड ग्रुप का हो गया स्टूडेंट हम लोगों का और आपका ग्रेवार्ड्स हो गया उसके बाद जो होता है स्टूडेंट आ जाइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी यानी ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी स्टूडेंट जो होता है देखिएगा कर रहा है कि बंडल ऑफिस इजे पार्ट्स ऑफ बीच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन ह्यूमन तो आपको पता है बंडल ऑफिस किसका पार्ट्स होता है स्टूडेंट जो होता है हार्ट का होगा किसका होगा ये हार्ट का होगा ठीक है बीच वन ऑफ द फॉलोइंग्स प्लाज्मा प्रोटीन्स इज ए इन्वॉल्व इन द कागुलेशन ऑफ ब्लड्स ठीक है इसमें से बताना स्टूडेंट जो होता है कि ब्लड कागुलेशन में जो होता है कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन्स आपका इन्वॉल्व होता है तो आपको पता है फाइब्रोजेंस जो होता है स्टूडेंट प्रोटीन्स आपका इन्वॉल्व होता है स्टूडेंट क्या हो गया आपका राइट right आंसर हो गया तो स्टूडेंट स्टूडेंट्स होता है कि ये हम लोग जो होता है ओवरऑल ट्वेंटी वन होता है स्टूडेंट देखें प्रीवियस